आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रबड़ी मालपुए की रेसिपी। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर मालपुए हमारे बनके तैयार हुए हैं। साथ ही मैं आज इस वीडियो में रबड़ी भी बनाने वाली हूँ, जिसके साथ मैं मालपुए को सर्व करूँगी। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। बहुत ही यम्मी सा डिज़र्ट बनाने वाले हैं आज हम, तो वीडियो को पूरा फॉलो कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MTV किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रबड़ी मालपुए की रेसिपी। तो रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दूध रखा है गैस पे, 1 लीटर के करीब दूध है ये। अब हम इस दूध को रिड्यूस करेंगे और इसकी रबड़ी बनाएंगे। इसी दूध से आज मैं रबड़ी भी बनाऊंगी, जिसको मैं मालपुए के साथ सर्व करूंगी, और इसी दूध के साथ मैं रबड़ी का बैटर भी बनाऊंगी, जिससे हम मालपुए बनाएंगे। तो दोनों चीज़ें हम इसी दूध के साथ बनाएंगे। तो 1 लीटर के करीब दूध है ये, तो इसको हम रिड्यूस करेंगे जब तक कि ये क्वांटिटी में हाफ हो जाएगा। और जो इसकी साइड में मलाई आ जाती है, वो भी मैं इसमें साथ के साथ ऐड करती जाऊंगी, ताकि दूध हमारा थोड़ा थिक हो जाएगा और रबड़ी की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं दूध हमारा रिड्यूस हो गया, काफ़ी क्वांटिटी में हाफ हो गया है। और ये जो इसके साइड में मलाई आ रही थी, वो भी मैं इसमें ऐड करती रही हूँ, तो ये एकदम से रबड़ी की फॉर्म में आ गया है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं हुआ है ये अभी, बट जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो थिक हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा हमें इसे थिक नहीं करना। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ छोटी इलायची का पाउडर, इसको फ्लेवर देने के लिए। इसको भी मिक्स कर देते हैं। तो दूध आपका कितना गाढ़ा होगा, ये आपके दूध की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है रिड्यूस होने के बाद। तो ये देखिए, दूध हमारा काफ़ी थिक हो चुका है। मैं आपको करछी की मदद से इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ किस तरह की है। ये देखिए, आप देख सकते हैं पहले से दूध हमारा काफ़ी थिक हो गया है और रबड़ी की फॉर्म में आ गया है। काफ़ी सारी मलाई भी आपको इसमें नज़र आ रही होगी। तो मालपुए का जो हमने बैटर बनाना है, उसके लिए हमारी रबड़ी बनके तैयार है। इससे ज़्यादा हम इसे थिक नहीं करेंगे। तो मैंने एक बाउल लिया है और इसमें मैं इसका हाफ पार्ट निकालने वाली हूँ, ये देखिए इस तरह से, क्योंकि हम इसे मालपुए का बैटर बनाएंगे। तो हाफ बैटर मैंने इसमें निकाल के अलग कर लिया है। ये देखिए इस तरह से, ये बाउल में मैंने हाफ बैटर निकाल के अलग कर लिया है, इससे मैं मालपुए का बैटर बनाऊंगी। तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं जब तक ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। बाकी जो हमारा बैटर बचा है, उसकी मैं रबड़ी बनाऊंगी, जिसको हम सर्व करेंगे मालपुए के साथ। तो इसको हम थोड़ी देर और पका रहे हैं, क्योंकि अभी हमने इसमें शुगर नहीं ऐड की है। शुगर डालने के बाद ये थोड़ा सा और पतला हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे और थिक कर रही हूँ। तो 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसे और पका लिया है और ये थोड़ा सा और थिक हो गया है। अब मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ, मिक्स कर देते हैं इसको। जब तक हमारी शुगर डिजोल्व होएगी, इसे और पका लेंगे हम। तो शुगर आप इसमें अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आप मीठा खाना पसंद करते हैं, क्योंकि मालपुए भी हमारे काफ़ी मीठे होते हैं और रबड़ी भी काफ़ी मीठी हो जाएगी। तो मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं इसमें। तो रबड़ी भी हमारी बन के तैयार है। क्लीन कर लेते हैं कढ़ाई को। ये देखिए, चीनी भी हमारी डिजोल्व हो गई है अच्छे से। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बादाम, जिसको मैंने बारीक कट करके रखा है। तो थोड़े से बादाम मैं गार्निशिंग के लिए बचा के रख रही हूँ, बाकी मैंने इसमें ऐड कर दिए। तो मालपुए के साथ जो हमने रबड़ी सर्व करनी है, वो भी हमारी बनके तैयार होगी। आप देख सकते हैं काफ़ी थिक हो गई है पहले से। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं अलग कटोरी में और हम मालपुए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मालपुए बनाने से पहले हम इसकी चाशनी बना के तैयार करेंगे। तो मैंने 1 कटोरी चीनी ली है इसके लिए, और 1 कटोरी चीनी में मैंने 3/4 कटोरी पानी ऐड किया है। 1 कटोरी से थोड़ा सा कम पानी लिया है मैंने। अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। तो सबसे पहले चीनी को डिज़ोल्व होने देते हैं। हमने इसकी चाशनी में कोई तार फॉर्म नहीं करनी, जैसे हम गुलाब जामुन की चाशनी बनाते हैं ना, उसी तरह की चाशनी हमने इसकी बनानी है। तो ये देखिए, चीनी डिज़ोल्व होनी शुरू हो गई है। तो ये देखिए, चाशनी को पकते हुए भी 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, काफ़ी थिक हो गई है हमारी चाशनी पहले से। अब मैं इसमें भी ऐड कर रही हूँ छोटी इलायची का पाउडर। आप चाहें तो इसमें रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं, या फिर केसर थ्रेड ऐड कर सकते हैं, जो भी फ्लेवर आप देना चाहते हैं चाशनी में। मिक्स कर लेते हैं इसको भी। अब मैंने गैस को लो कर दिया है और हम चाशनी को चेक कर लेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की हुई है। तो इस तरह से स्पैचुला पे हम चाशनी लेंगे, थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे इसको। और मैं इसको जब हाथों में ले रही हूँ, तो ये काफ़ी अच्छी सी चिपचिपाहट हो रही है, मतलब कि कोई तार तो नहीं फॉर्म हो रही है।
हल्की सी छोटी सी तार बन रही है, आप देख सकते हैं। बट चिपचिपाहट काफ़ी अच्छी हो रही है, बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो चाशनी हमारी बनके तैयार है, इसको अभी साइड में रख लेते हैं। अब हम मालपुए बनाना स्टार्ट करते हैं। मालपुए का जो हमने बैटर अलग रखा था बाउल में, वो भी हमारा ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अब हम उसमें मैदा ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं 4 चम्मच मैदा इसमें ऐड करूँगी, फुल भर के मैंने 4 चम्मच लिए हैं इसमें। मिक्स कर देते हैं इसको रबड़ी के साथ और इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे हम। बैटर में बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखाऊंगी किस तरह की होनी चाहिए, ताकि आपके मालपुए एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो ये देखिए मिक्स कर लिया है मैंने इसको, बट मैं इसको अभी विस्क के साथ मैश करूंगी ताकि हमारे बैटर में बिल्कुल भी लम्स ना रहें। तो अच्छे से इसको मैश कर लेंगे। तो ये देखिए विस्क के साथ मैंने इसको मैश कर लिया है और मालपुए बनाने के लिए हमारा बैटर बनके तैयार है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से फ्लोइंग में होनी चाहिए, ताकि जब हम इसको फ्राई करें एकदम से फ्लोइंग में आइए। और मैं आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहूँगी, अगर आपका बैटर थोड़ा थिक हो जाता है या फिर कम पड़ जाता है, आपको ज़्यादा मालपुए बनाने हैं थोड़े, तो आप इसमें मैदा और दूध डाल के इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मतलब 2-3 मालपुए अगर आपको एक्स्ट्रा बनाने हैं, तो आप इसमें दूध डाल के और 1 चम्मच मैदा फालतू डाल के इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आपका बैटर परफेक्ट बन जाएगा। मतलब कि आपको दोबारा से रबड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इमरजेंसी में 4-5 मालपुए कम पड़ रहे हैं और आपने बनाने हैं, तो आप इस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब मैंने गैस पे देसी घी लिया है, इसको गर्म कर लेते हैं, क्योंकि मालपुए जो है वो देसी घी में बनाए जाते हैं, इसी से इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और देसी घी में फ्राई करने से इसका कलर भी बहुत अच्छा होता है। तो घी हमारा गर्म हो चुका है अच्छे से, अब हम इसमें बैटर डाल देते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं बैटर किस तरह से गिरा है इसके अंदर, एकदम से स्प्रेड हो गया अपने आप ही। हमने करछी से इसको चलाना नहीं है बिल्कुल भी, बस स्प्रेड करना है हमने इसको। और जब ये एक साइड से सिक जाएगा और मूव होने लगेगा, फिर हम इसको छेड़ेंगे, उससे पहले हम इसको नहीं छेड़ेंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं नीचे से ये सिक चुका है। अब मैं इसके ऊपर भी घी स्प्रेड कर रही हूँ इस तरह से, ताकि ऊपर से भी सिक जाएगा, उसके बाद हम इसे पलटेंगे। तो गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम मालपुए को फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से। आप मालपुए का साइज़ भी अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं, कितने साइज़ के आपने मालपुए बनाने हैं। ये देखिए मैंने इसको टर्न करे, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर कलर आया है हमारा मालपुए पे। तो दोनों साइड से हम इसे कुक कर लेते हैं। आप चाहें तो मालपुए को रिफाइंड ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, बट रिफाइंड ऑयल में स्मेल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए एक मालपुआ हमारा फ्राई हो चुका है, बहुत ही सुंदर कलर आया है, निकाल लेते हैं इसको। मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। आप चाहें तो एक ही बारी में 2 से 3 मालपुए भी बना सकते हैं, तो मैं आगे वीडियो में आपको 2 मालपुए भी एक साथ बना के दिखाऊँगी। तो आप साइज़ अपने आप से इसका डिसाइड कर सकते हैं, जितने भी मालपुए आपने बनाने हैं, जिस भी साइज़ के बनाने हैं। तो ये देखिए दूसरा बैटर भी मैंने इसमें डाल दिया है, सेक लेते हैं इसको भी। तो इसको भी मैंने पलट लिया है और अलट पलट करके हम इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर मालपुए हमारे बनके तैयार हुए हैं और एकदम सॉफ्ट हैं ये। ये देखिए मैं इसको पलट रही हूँ, आप देख सकते हैं कैसे फोल्ड सा हो गया ये, इट मीन्स कि एकदम से सॉफ्ट मालपुए हमारे बनके तैयार हो रहे हैं और कलर भी बहुत सुंदर आ रहा है इसका। तो ये देखिए ये भी हमारा मालपुआ बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से सारे मालपुए पहले हम फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए तीसरा मालपुआ भी मैंने डाल दिया। अब मैं आपको एक ही बारी में 2 मालपुए बना के बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा बैटर डाला है मैंने। जब आप एक बार मालपुए बनाने में ट्रेंड हो जाएंगे, तो एक बार में 3 से 4 मालपुए भी बना पाएंगे, पर आपको पैन इस तरह का फ्लैट ही लेना है इसमें, ताकि मालपुए आपके बढ़िया से बने और उसकी शेप ख़राब ना हो बिल्कुल भी। तो ये देखिए इस तरह से आप 2 मालपुए भी एक टाइम में बना सकते हैं। तो ये देखिए ये भी फ्राई हो चुके हैं हमारे अच्छे से। अब मैंने यहाँ पर चाशनी ली है और इसको गर्म कर लिया अच्छे से, क्योंकि चाशनी मेरी ठंडी हो चुकी थी। अब हम इसमें मालपुए को डिप करेंगे।
तो मैं इसको कुछ सेकंड के लिए ही मालपुए को चाशनी के अंदर डिप करूँगी, अलट पलट करके 10 से 15 सेकंड के लिए। आप चाहें तो इसे चाशनी में छोड़ भी सकते हैं एक घंटे के लिए, तब भी ये ख़राब नहीं होते। बट अगर आप इसे गरम गरम चाशनी में 10-20 सेकंड के लिए ही निकालेंगे तो भी इनफ है, क्योंकि बहुत जल्दी ये चाशनी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और मीठे हो जाते हैं। और हम इसे रबड़ी के साथ सर्व करने वाले हैं तो ये काफ़ी मीठा हो जाएगा, और आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा मीठा लोग खाना पसंद नहीं करते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा हो आप मालपुए को चाशनी में डिप कर सकते हैं। मैं इसे बस कुछ सेकंड के लिए ही डिप कर रही हूँ और निकाल ले रही हूँ। ये देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा चाशनी को हम निकाल लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए मालपुए को मैंने रबड़ी के साथ सर्व किया है। इसको गार्निश कर लेते हैं बादाम के साथ। तो थोड़े से बादाम मैं रबड़ी के ऊपर गार्निश कर रही हूँ और थोड़े से मैं इसको मालपुए के ऊपर गार्निश कर रही हूँ। तो यम्मी से हमारे मालपुए बनके तैयार हैं, यम्मी सी रबड़ी के साथ। तो आप भी इसे बनाइए, जैसे कि त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है, बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, तो आप भी इसमें मीठा बनाइए, मालपुए बनाइए, अपने घर पे रबड़ी के साथ सर्व कीजिए या फिर खीर के साथ सर्व कीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग MTV किचन।